लड़ाई झगड़ा घर की ड्यूटी खाने पर बवाल और कैमरे के लिए फुटेज ही फुटेज, बिग बॉस का शो इन सभी चीजों के बिना अधूरा है। सलमान खान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 शुरू हो चुका है। महज 3 दिन ही हुआ है, लेकिन पहले ही दिन घर में खाना बनाने को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। घर में ड्यूटी निभाने को लेकर जहां कुछ कंटेस्टेंट ने नखरे दिखाए, तो वहीं दूसरी ओर मुन्ना और फारूकी ने यहां भी दूसरे कंटेस्टेंट को जमकर रोस्ट किया। हालांकि जितना एक्साइटेड फैंस इस शो के लिए हैं, वहीं दूसरी ओर इस सीजन में सबसे ज्यादा फीस किसने ली है इसका भी खुलासा हो गया है। इस बार बिग बॉस 17 के घर में 2 पॉपुलर जोड़ियों की एंट्री हुई है, जिसमें ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट और अंकिता लोखंडे और विक्की जैन शामिल हैं। बता दें कि शो शुरू होने से पहले ही अंकिता लोखंडे सुर्खियों में बनी थी। दरअसल चर्चा थी कि एक्ट्रेस 200 कपड़े लेकर शो में एंट्री करने वाली हैं। हालांकि इस बात को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हालांकि शो के पहले ही दिन जिस कंटेस्टेंट ने अपनी बातों से सबका दिल जीता, वो हैंडसम स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्ना और फारूकी हैं। पवित्र रिश्ता से पहचान बनाने वाली अंकिता लोखंडे ने सलमान खान के सामने खुलासा किया था कि वो अपने पति विक्की जैन की वजह से शो कर रही हैं। बता दें कि विक्की जैन बिग बॉस 17 में आना चाहते थे। बता दें कि शो के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ही हैं, जो एक हफ्ते के लिए 12 लाख रुपए ले रहे हैं। गौरतलब है कि एक्ट्रेस को पहले भी कई बार बिग बॉस ऑफर हो चुका है, हालांकि उन्होंने शो को ठुकरा दिया था। हालांकि बिग बॉस 17 के घर में अकेले एंट्री वाले कंटेस्टेंट की बात की जाए तो स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्ना और फारूकी सबसे ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। बता दें कि वो शो में एक हफ्ते के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। बिग बॉस 17 में इस बार कपल और सिंगल का थीम रखा गया है। हालांकि शो में पहले ही दिन किचन और घर की ड्यूटी को लेकर हर कोई आपस में लड़ता नजर आया है। वहीं इस सीजन में पहले ही दिन अलग अलग ग्रुप बनते भी दिखाई दिए हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।